तो दिवाली के टाइम पे हर कंपनी नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रही है, तो सैमसंग कैसे पीछे रह जाता है। सैमसंग ने लॉन्च कर दिया सैमसंग गैलेक्सी A05s। ये एक 4G डिवाइस है जिसकी कीमत है 15,000 रुपये। 6GB रैम 128GB स्टोरेज आपको इसके अंदर मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो, फिर देखते हैं इसके फीचर्स क्या आ रहे हैं। और फीचर्स मुझे काफ़ी सरप्राइज किए हैं, काफ़ी अच्छे लगे। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है A05s का बॉक्स, पीछे आप देख सकते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर है, 90 हर्ट्ज़ की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, 5000mAh की बैटरी, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग में आपको मिलती है। इसके अंदर आपको अडैप्टर साथ में नहीं मिलेगा, सिर्फ चार्जिंग केबल आती है, आपको अडैप्टर अलग से परचेस करना पड़ेगा। और इसकी डिटेल्स पीछे आप पढ़ सकते हो। स्क्रीन पॉज करके 50MP कैमरा, 2+2 ट्रिपल कैमरा सेटअप, 13MP का फ्रंट कैमरा है। बाकी अब इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर आपको बताता हूँ इसका मॉडल। तो बाहर निकल चुका है हमारा फ़ोन। सबसे पहले निकलेगा अंदर से एक बॉक्स, और इसके अंदर आपको मिलेगी चार्जिंग केबल और कुछ यूज़र मैनुअल्स, जिनको रखते हैं साइड में। और अंदर से निकालते हैं हमारी फ़ोन को। तो ये आप देख सकते हैं, ये है सैमसंग गैलेक्सी A05s, ट्रिपल कैमरा के साथ में है, 50MP का मेन कैमरा मिलता है, और एक छोटा सा फ्लैश देख सकते हो। पॉलीकार्बोनेट की बॉडी आती है, मैट फिनिश के अंदर है, और करीब 8.8mm की थिकनेस आपको मिल जाएगी। साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है, नीचे के साइड मिलेगा एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm का ऑडियो जैक, और एक मिलता है माइक, एक साथ में स्पीकर मिलता है, सिंगल स्पीकर आता है। और ऊपर के साइड भी एक माइक देखने को मिल जाएगा आपको। साइड में आता है फिंगरप्रिंट और वॉल्यूम अप डाउन बटन, ये पावर बटन भी है। तो जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ इसके फीचर्स। तो फोन का सेटअप मैंने कर लिया है, फोन ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो फोन को। 90 हर्ट्ज की स्क्रीन है, स्क्रीन ये खुद ही बनाता है इसलिए बहुत ज्यादा स्मूथ रहती है, और क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया रहती है। FHD+ डिस्प्ले है। इस फोन के वेट की बात करें तो करीब 194 ग्राम का वेट मिल जाएगा, काफी हल्का है और हैंडी भी है। प्रोसेसर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर है, 2.4GHz का प्रोसेसर है, और ये एक 4G डिवाइस है, तो इसमें आपको 5G के बैंड्स नहीं मिलेंगे। 6.7 इंच की आपको इसमें डिस्प्ले मिल रही है विथ 90Hz की रिफ्रेश रेट। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 82.9% है। 6GB रैम आती है, 128GB स्टोरेज मिल जाता है। इसका बिल्कुल क्लीन यूज इंटरफेस रहेगा, काफी सिंपल है चलाने में, इजी टू यूज है, और 5000mAh की बैटरी, 25 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट। तो ओवरऑल एक ये अच्छा 4G डिवाइस है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं कॉल करके भी, या फिर स्टोर विजिट कर सकते हैं, उसके लिए भी एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बाकी अपन कैमरे की बात कर लेते हैं। कैमरा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 50MP का मेन कैमरा है। कैमरा हमने ऑन कर लिया है, कैमरा आप देख सकते हो, पोर्ट्रेट मोड, नीचे फोटो वीडियो मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। वीडियो में सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे रिजोल्यूशन क्या क्या मिलते हैं। तो रिजोल्यूशन आपको फुल HD मिल जाएगा, वो भी 60fps पे, यानी कि आप 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ये ऑप्शन सबसे बढ़िया लगा मुझे इसमें, क्योंकि यूजुअली 30fps का ऑप्शन रहता है इस रेंज में, वो भी फुल HD के अंदर, और 60fps पे काफ़ी स्मूथ है, मतलब ज़्यादा शेक नहीं है। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा सही है क्वालिटी। कलर की बात करें तो कलर भी काफ़ी ठीक है, आपको नेचुरल कलर दिखाएगा। यहाँ पे 2x का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप मैक्सिमम 10x पे रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे रेशियो चेक कर सकते हैं आप, ऊपर रेशियो का ऑप्शन मिल जाएगा। फोटो देख लेते हैं, फोटो में भी ऊपर आपको रेशियो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये 50MP का भी ऑप्शन आपको टॉप पर मिल जाएगा। और बाकी पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट ही आप देख सकते हो, यहाँ से आप अपना फोकस भी सेट कर सकते हो। और वीडियो के अंदर अगर अपन देखें कि आप फ्रंट कैमरे से कितने में रिकॉर्ड कर सकते हो, तो फुल HD रहेगा, फुल HD 60fps, यानी कि फ्रंट कैमरे से भी फुल HD में 60fps में रिकॉर्ड कर सकते हो। ये भी काफी सही है, क्वालिटी काफी बढ़िया आ रही है। तो यह था इसका कैमरा। अगर आप इसके कैमरे से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो फिर एक बार आप कमेंट जरूर कर देना, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो निकाल दूंगा जिसमें कैमरा के फीचर्स और कैमरा सैंपल्स डाल दूंगा। बाकी ओवरऑल ये अच्छा फोन है, डिसेंट फोन है। अगर आपको 4G की नीड है और आपका ज्यादा बजट नहीं, आपको बजट फोन चाहिए जिसमें गेमिंग कर सके, आप 60fps पे रिकॉर्ड कर सके, अच्छा कैमरा हो और लुकिंग वाइज भी अच्छा हो, तो आप इस फोन को परचेस कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये मॉडल? मुझे इसका कैमरा ठीक लगा, इसके जो 60fps का ऑप्शन रहता है वो काफी सही लगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना स्टोर का एड्रेस और फोन नंबर दोनों दे रहा हूँ, आप कैसे भी ऑर्डर कर सकते हो। क्या ओपिनियन है आपकी इस फोन को लेके, इसके प्राइस पॉइंट पे जो फीचर आपको मिल रहे हैं वो जरूर एक बार बताना, आपका ओपिनियन मैटर करता है। अगर आप इसे कैमरा की डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना एक बार, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।